बच्चों, इस पाठ में हम दो अंकों वाली संख्याओं को आड़ा लिखकर घटाव की प्रक्रिया के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। आज राजू और बबलू मेले में घूम रहे हैं। राजू उत्साहित है कि वो अब घटाव सीख गया है और कोई भी प्रश्न हल कर सकता है। राजू और बबलू गुब्बारे फोड़ने दुकान पर गए। वहाँ कुल 50 गुब्बारे थे। राजू ने गुब्बारे फोड़ना शुरू किया। जब उसकी बारी पूरी हुई तब वहाँ 11 गुब्बारे बचे थे। बबलू ने राजू से पूछा कि उसने कितने गुब्बारे फोड़े। बबलू ने तुरंत एक कागज पर यह प्रश्न लिख दिया, मगर राजू सोच में पड़ गया, क्योंकि वह ये नहीं सोच पा रहा कि वह 50 के 01 में से 11 का एक कैसे निकाले। बच्चों, क्या आपको लगता है ये संभव है? आइए देखें बबलू ने इसे कैसे सुलझाया। बबलू ने कागज लिया और राजू को बताया, यहाँ हमें उधार बोरो की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। हम 50 के 5-10 में से 1-10 को उधार लेकर इस तरह 10-1 बनाकर लिखेंगे, और क्योंकि हमने एक उधार लिया अब हमारे पास 4-10 बचे। बच्चों, क्या आप अब इसके आगे इसे सुलझा सकते हो? जी हाँ, हम 10-1 में से 1 निकालेंगे और हमें मिलेंगे 9-1, और अंत में 4 में से 1-10 निकालें तो हम 3-10 पाएंगे। राजू इस नई प्रक्रिया को सीखकर उत्साहित हो गया। अरे वाह, राजू ने 39 गुब्बारे फोड़े। बबलू ने बिल्कुल हमारी तरह इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया। मेले में लड्डू खाने की प्रतियोगिता चल रही थी। राजू और बबलू भी प्रतियोगिता में शामिल हो गए। राजू ने 32 लड्डू खा लिए और बबलू ने 41 लड्डू खा लिए। अब दोनों लड़ रहे हैं कि किसने ज्यादा लड्डू खाए और कितने ज्यादा। बच्चों, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं? वाह बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही सुलझाया। बबलू ने राजू से 9 ज्यादा लड्डू खाए। राजू और बबलू मेले में घूमकर और घटाव के प्रश्न सुलझाते रहे। बच्चों, आप भी अपने आसपास घटाव के ऐसे प्रश्न ढूंढिए और उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए। बच्चों, इस पाठ में हमने दो अंकों वाली संख्याओं को आड़ा लिखकर घटाव के लिए दिलचस्प उदाहरण देखे।